दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके रेल स्पार्क चैनल पे। आज रेल न्यूज में कुछ खास है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली दोस्तों खबर है कि अगर आप नियमित अंतराल पर ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और IRCTC की वेबसाइट पर या किसी ऐप से टिकट बुकिंग करते हैं और ट्रांजिशन फेल हो जाने की समस्या ये आपको बार बार पेश आती है, तो आप एक नई योजना है आई मुद्रा प्रीपेड कार्ड की शुरुआत की है IRCTC ने, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस कार्ड के जरिए आप टिकट जब बुक करेंगे तो उस समय केवल OTP इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको बैंक की ओर से कोई पेमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोस्तों लाइफलाइन एक्सप्रेस प्रयागराज पहुंच चुकी है, इसमें महिलाओं के इलाज की विशेष व्यवस्था है। इसके अलावा कई तरह के डॉक्टर हैं, आँख के, कान के, दांत के, हड्डी के, कटे फटे होंठ के भी इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। रोगियों की जांच, उपचार और ऑपरेशन सब निशुल्क है, दवाएं भी दी जाती हैं। इस चलते फिरते अस्पताल में 7 मिनी ऑपरेशन थिएटर भी हैं। पोलियो के 14 वर्ष तक के रोगियों के ऑपरेशन की भी व्यवस्था इसमें है। तो दोस्तों अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो इसका फ़ायदा जरूर उठाएं, ये 8 जनवरी तक रहेगी। दोस्तों तीसरी खबर महत्वपूर्ण है, रेलवे ट्रेनों को चलाने में कम समय लगे इसके लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लागू किया जा रहा है। ATP सिस्टम कुछ हद तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। दो ट्रेनों के बीच के अंतर जो है इसमें 20 मिनट से कम होकर 6 से 7 मिनट रह जाता है। ट्रेन कम समय में स्टेशन पहुंचती है। ATP सिस्टम लागू करने के लिए 640 किमी के पायलट प्रोजेक्ट की जो है वो मंजूरी ली जा रही है और इसका टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, तो करीब 30 महीने लग जाएंगे पूरे होने में। मतलब रेलवे का कोई भी काम 2-3-4 साल में पूरा नहीं होता है, तो मान के चलिए कि 1-2 साल लग ही जाएगा, 3-4 साल। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, एक रेडियो ट्रेन ड्राइवर के पास और दूसरा स्टेशन मास्टर के पास रहता है और एक कंट्रोलर के पास। इसमें ट्रेन व कंट्रोलर आपस में संपर्क में रहते हैं। जब ट्रेन स्टेशन पार कर जाती है तो अगले स्टेशन मास्टर या कंट्रोलर के पास सिग्नल पहुंच जाता है। इसमें दिक्कत आने पर ड्राइवर और स्टेशन मास्टर आपस में बात कर सकते हैं, इसलिए ट्रेनों में के बीच की जो दूरी है वो कम करने में आसानी होती है। दोस्तों चौथी खबर है, रेलवे जो है सभी श्रेणियों में किराया बढ़ाने जा रहा है, इसकी घोषणा इसी सप्ताह किए जाने की उम्मीद है। रेलवे AC से लेकर सामान्य और उपनगरीय मासिक त्रैमासिक सीजन टिकटों तक के किराया बढ़ाएगा। यह बढ़ोतरी 5 पैसा प्रति किमी से लेकर 40 पैसा प्रति किमी हो सकती है। आपको भले पैसा कम लग रहा हो लेकिन दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से ये 10% से लेके 20% तक है, यानी 100 रुपये का टिकट आपको 120 रुपये का मिलेगा, तो ये पैसा ज़्यादा है। दोस्तों रेलवे इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है क्योंकि 2014 से कोई किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है। दोस्तों पांचवी खबर है, बहुत जल्दी ही देश के 4 स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने के लिए आपको यूजर फीस देना पड़ेगा। अगर आप इन स्टेशनों पर उतरते हैं तो इसके लिए भी आपको आधा शुल्क देना होगा। यह है नागपुर, अमृतसर, ग्वालियर और साबरमती, यानी इन स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ते हैं, उतरते हैं तो आपको एक निश्चित शुल्क देना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखेंगे, बहुत साफ सुथरे होंगे और कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इसमें रीडेवलपमेंट योजना के तहत ये फीस वसूला जाएगा। इन चारों स्टेशनों के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप तहत मॉडर्न रेलवे स्टेशनों में बदला जा रहा है, मतलब ये मॉडर्न रेलवे स्टेशन होंगे, उन कीमत चुकाएंगे आप। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ वो मिलता रहे।